नमस्कार, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि इस समय एक धमाकेदार इलेक्ट्रिक बाइक भारत में आ रही है, और अब बात करें तो हीरो स्प्लेंडर दो दशकों से देश की बेस्ट सेलर बाइक है। आम आदमी के बजट में आने वाली ये बाइक अपने लुक और परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लेती है। अब क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है और लोगों से इस बाइक का मोह छूट ही नहीं रहा है, तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टार्टअप ADMS e-bikes ने मार्केट में एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक पेश करी है जो दिखने में बिल्कुल हीरो स्प्लेंडर की तरह दिखती है। तो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ADMS ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक ADMS बॉक्सर को हाल ही में बाजार में उतारा है। कंपनी ने इस बाइक को बेंगलुरु में आयोजित ग्रीन व्हीकल एक्सपो के तीसरे संस्करण में लॉन्च किया। ADMS बॉक्सर बाइक हीरो स्प्लेंडर की तरह ही दिखती है। अगर इसके बैटरी के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो इसका पूरा डिजाइन हीरो स्प्लेंडर जैसा ही है। ADMS बॉक्सर की एक्स शोरूम कीमत 25,00,000 रुपये रखी गई है, और हम ये समझ रहे हैं कि ये बाइक बहुत तेजी से बिकने वाली है, क्योंकि इस बाइक का जो माइलेज है वो तो जबरदस्त है ही, और साथ में लुक्स भी शानदार हैं। अब ADMS बॉक्सर बाइक में 3 राइडिंग मोड्स के साथ एक रिवर्स मोड भी दिया है, यानी कि आप इसको इलेक्ट्रिकली रिवर्स कर सकते हैं, और इको मोड में ये बाइक 140 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, जो अभी तक सबसे अधिक है। और इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो हब माउंटेड मोटर को पावर देती है। फिलहाल कंपनी ने इस बाइक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन बेंगलुरु के ग्रीन व्हीकल एक्सपो में ये बाइक लॉन्च करी गई है, और ADMS बॉक्सर EV बाइक इस समय सबके आकर्षण का केंद्र बन रही है। ADMS बॉक्सर में हीरो स्प्लेंडर के जैसी चौकोर हेडलाइट्स, टेल लैंप, टर्न इंडिकेटर्स, सीट और मडगार्ड दिया गया है। बाइक के इंजन कंपार्टमेंट में एक बड़ी बैटरी दी गई है जिसे बेहद करीने से कवर किया गया है, और ये नई ई बाइक के डिजाइन में 4 चांद लगा देता है। बेंगलुरु के ग्रीन व्हीकल्स एक्सपो में लॉन्च करी गई ADMS बॉक्सर EV बाइक इस समय सबके आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। आपको बता दें कि ADMS बॉक्सर का सस्पेंशन सेटअप और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी स्प्लेंडर से काफी मेल खाता है। इसमें अलग अलग हैंडल बार डिजाइन और पोजीशनिंग, क्रोम टिप ग्रिप्स और स्विच ट्यूब जैसे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ्यूल गेज की जगह बैटरी इंडिकेटर है, और इसके हैंडल पर USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है ना कमाल की चीज। अब सेल के लिए ये ई बाइक कब से उपलब्ध होगी, इस बारे में आधिकारिक जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन ट्यून रहिए हॉकफीड से, आपको लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बाइक के बारे में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।